यूएसए स्टडी वीज़ा की जो तो गल आती है, बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स ने। असी अगर गल करिए, स्कॉलरशिप चंगी मिलती है, फीस आफ्टर वीज़ा तुसी दे सकते हो, ईवन विदाउट आयल्स भी अप्लाई कर सकते हो। पर वड्डा सवाल स्टूडेंट्स का हो जाता है कि इंटरव्यू असी किवें क्लीयर करिए, जी सानू डर लगता की पूछा जाएगा, किवें असी अपनी तैयारी करिए। तो अज की वीडियो इसे दे उपर है कि जेकर तुसी यूएसए स्टडी वीज़ा लिए अप्लाई करना है, इंटरव्यू की तैयारी तुसी किवें करनी है, नैविगेटर्स ओवरसीज़ किवें तुहानू प्रिपेयर करते हैं इंटरव्यू के लिए, ता कि तुसी पहले अटैम्प्ट विच ही अपनी इंटरव्यू क्लीयर करो, तो नाल दी नाल अपना वीजे दे लई अपने शुरुआत जो है चंगे ढंग नाल जरूर कर सको। तो बहुत बहुत स्वागत है जी सारिआं दा, मैं हाँ हरजोत कौर। डिटेल विच पूरी इनफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंटरव्यू कलर क्लीयर करन नूं लैके तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे ने नैविगेटर्स ओवरसीज़ तो वीज़ा एक्सपर्ट मिसिज वीना गोयल मैम साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है मैम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सो मैम, जिवें कि गल जो तो भी इंटरव्यू दी आंदी है, स्टूडेंट्स दे मन में एक डर जा बहुत वड्डा बैठ जाता है कि पता नहीं की पूछा जाएगा, असी की बोलांगे, सानू किवें बिहेव उत्थे करना चाहिए। तो इत्थे नैविगेटर्स ओवरसीज़ वालों स्टूडेंट्स नू किवें तैयार किया जाता है, क्योंकि जेकर असी नैविगेटर्स ओवरसीज़ की जो भी गल करते हैं, तकरीबन 27-28 सालों तो जो है स्टूडेंट्स नू तुसी गाइड कर रहे हो, चंगी चंगी ऑप्शन लभ के लियांदे हो, तो इत्थे इंटरव्यू के उपर भी किवें फोकस किया जाता, स्टूडेंट नू किवें तैयार किया जाता है? हरजोत जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन तुसी पूछा कि नैविगेटर किदा तैयारी कराता है। सानू 27 साल हो गए स्टूडेंट्स के नाल, 27 ईयर्स इज़ ए बिग टाइम विद द स्टूडेंट्स। असी इन्हां दे नाल ही स्टूडेंट्स के नाल 27 सालों तो हाँ, साडे स्टूडेंट्स जिहड़े आ जाके उन्हां दे मतलब बहुत बड़े बड़े अहुदे ते बच्चे पहुँच गए, उन्हां दी फैमिलीज बन गई हैं, काफ़ी टाइम हो गया। लेट अस स्टार्ट विद द हाउ टू अपीयर फॉर द US इंटरव्यू। जी, US दे इंटरव्यू जिहड़ी है, क्योंकि ये वीज़ा इदा नहीं है कि किसी दी इंटरव्यू हो गई और किसी दी नहीं हो गई, तुहानू इंटरव्यू स्लॉट दी डेट लैनी पेगी। पहले मैं तुहानू सारा प्रोसैस दसदा, तुहानू I-20 ऑफर लैटर, I-20 दे बाद तुहानू सर्विस फीस, सर्विस दे फीस दे बाद तुहानू अंबैसी अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट दे बाद बच्चा जाएगा, एक दिन उहदे बायोमैट्रिक्स फिंगरप्रिंट होणगे, सैकेंड डे, थर्ड डे, और जिदा भी तुहानू डेट मिलती है, तुहाडी इंटरव्यू होएगी विंडो ते। जी, विंडो ते जिहड़ी इंटरव्यू है उहदे विच जिहड़ा उह मेरे ख्याल 2-4 मिंट दी भी हो सकदी है, उस तो ज़्यादा भी 3-4-5 मिंट दी भी हो सकदी है। उहदे विच लिमिटेड क्वेश्चन हुंदे है, जब तुसी कोर्स बहुत अच्छा लिता होया, यूनिवर्सिटी तुहाडी बहुत अच्छी है, बोलन च तुहाडा कॉन्फिडेंस है, मे बी 2 क्वेश्चन च वीज़ा ग्रांट, बिकॉज अच्छा कोर्स, अच्छी यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी बच्चा बहुत स्क्रीन करके लिता है, उहदे विच जिहड़ी परसेंटेज भी उन्हां दी जिहड़ी मिनिमम हुंदी है, इंग्लिश स्पीकिंग पहले ही वो जज करते हैं कि उहदा आइल्स या ड्यूलिंगो दे थ्रू या PT जो भी तुसीं कीता, एंड उहदे जिहड़ी फाइनैंशियल कैपेसिटी भी यूनिवर्सिटी देखदी है, उहदे बाद ही I-20 आउंदी है। हुण तुहानू क्वेश्चन की पूछा जाएगा, सब तो पहले तुसी प्रोफेशनल ड्रेस च जाना है, मतलब ये नहीं कि घर जो भी कपड़े पाए उहदे विच चले गए, फर्स्ट इंप्रैशन इज़ द लास्ट इंप्रैशन। विंडो ते तुसी खड़े होना है, तुसी जिन्नी देर क्यू तो लैके वीज़ा ऑफिसर दे विंडो ते जांदे हो, वो 2 मिंट दी वॉक च ही तुहाडा वीज़ा काफ़ी हद तक डिसाइड हो जाता है कि तुहाडी चाल ढाल किदां दी है, कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। फिर तुहाडा जिहड़ा आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब तुसी बंदे दी अख दे विच अख पा के गल कर सकदे हो, मीन सामने देख के, दैट मीनस तुहाडे च कॉन्फिडेंस है। हुण जिन्ने मैं पॉइंट दसे, दैट मीनस कॉन्फिडेंस ते आ रहे हैं, ठीक है, चाहे आइल्स कीती नहीं कीती डजंट मैटर, तुहाडा कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, चाहे तुहाडे 5.5 बैंड है और बट कॉन्फिडेंस अच्छा, बोलन च तुसी ठीक हो, तुहाडा वीज़ा 101% लगना है। हुण क्वेश्चन की होणगे, तुसी व्हाट्स योर नेम, जिहड़ा तुहाडा नाम की है, तुहाडी स्टडीज़ कौन स्पॉन्सर कर रहा, पूछ सकदे आ, जिहड़ा मैं क्वेश्चन पूछने जरूरी नहीं है, क्वेश्चन इधर उधर करके आ सकदे, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी पूछ सकदे, 2 क्वेश्चन घट भी पूछ सकदे आ। तुहाडे अपने बारे च, तुहानू फंडिंग कौन कर रहा, तुहाडा जिहड़ा कोर्स है उहदे बारे डिटेल पूछ सकदे आ, यूनिवर्सिटी कित्थे है, और ये कोर्स करके तुसी फ्यूचर च की करना चाहते हो, ये जिहड़े 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 दी तैयारी है तुहाडी, ते वीज़ा जिहड़ा आलमोस्ट 99% तुहानू मिल जाना, बिकॉज बाकी तुहाडा कॉन्फिडेंस है,
कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए, लेकिन ये चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम्हें अपने कोर्स के बारे काफ़ी अच्छा पता होना चाहिए, कोर्स करके फ्यूचर किदा इंप्लीमेंट करोगे, थोड़ी फंडिंग कौन कर रहा है, थोड़ा नाम, थोड़े बारे डिटेल, थोड़े पासपोर्ट की डिटेल, ये चीज़ा थोड़े नाल होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब इंटरव्यू हो गया वो बाद जो थोड़ा वीज़ा उन्होंने देता तो उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन कह के पासपोर्ट आपके को रख लेंगे, क्योंकि पासपोर्ट से स्टैंप ला के जब तुम कोरियर ऑप्शन दिती हुई तो कोरियर करेंगे, या VFS ऑप्शन कलैक्शन की की हुई तो VFS कलैक्शन करना पेगा। और जो नहीं दिता बैड लक है तो नाल दे नाल तुहानू सेम डे पासपोर्ट वापस कर देंगे। इन्ना क्विक है US का कि तुहाडा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा कि 6-6 महीने फाइल अंबैसी विच पई है, सेम डे रिजल्ट, वीज़ा लग गया उन्होंने पासपोर्ट रख लिया, नहीं लग्या तो उन्होंने फड़ाता। मतलब ना कोई फीस यूनिवर्सिटी गई, ना उधर नुकसान हो रहा कि 6 महीने बाद फीस आएगी, 3 महीने बाद आएगी, कट के आएगी, नहीं आएगी, इतने तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। सब तो ज़्यादा नीट एंड क्लीन कंट्री है वीज़ा के मामले में। बिल्कुल सही गल है। सो इसलिए स्टूडेंट्स जो है जिहड़े अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर इंटरव्यू नू लैके तैयारी नू लैके थोड़ा थोड़े मन में डाउट है तो जरूर तुसी कंसल्ट कर सकते हो नैविगेटर्स ओवरसीज के नाल, ताकि तुसी पूरा प्रोसैस भी सही तरह समझ सको, इंटरव्यू की तैयारी भी सही ढंग दे नाल कर सको, और अपना पूरा प्रोसीजर जिहड़ा है स्मूथली और एक माहिर सलाह दे नाल ही पूरा प्रोसैस अपना कंप्लीट करो तो टाइमली अपना वीज़ा भी हासिल कर सको। सो बहुत बहुत थैंक्स मैम, है पूरी इन्फॉर्मेशन सांझी की है। बहुत वड्डा सवाल, बहुत वड्डा डर भी स्टूडेंट्स के इंटरव्यू में लैके देखा जाता है। सो ये तो चलो मैम ने सिर्फ एक वीडियो भी जिन्ना क दस सकते सी वो गल है, पर डिटेल दे विच जदों तुसी नैविगेटर्स ओवरसीज कोल पहुँचते हो अप्लाई करते हो तो तुहानू इंटरव्यू के लिए प्रॉपर तैयार किया जाता है कि तुसी पूरे कॉन्फिडेंस नाल उत्थे जाओ, इंटरव्यू क्लीयर करो। तो ये मैं दसना भुल गई कि नैविगेटर के विच इंटरव्यू की तैयारी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, और तुहाडा जिहड़ा IELTS TOEFL जो भी लैंग्वेज टेस्ट है वह भी टोटल जे साडे नाल तुसी एनरोल्ड हो, साडे स्टूडेंट हो, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट ये कराया जाता है। और नैविगेटर्स की एक्सपर्टीज़ है लैंग्वेज कोचिंग दे विच, जिहड़ा कि साडे कोल बहुत एक्सपीरियंस जिहड़े साडे एक्सपर्ट ट्रेनर्स है, और मटीरियल साडा है कि वह स्टूडेंट जिहड़ा गारंटी नाल जिहड़ा अपनी कोचिंग लैके निकलेगा। जी इस तो वधिया और की हो सकता है कि तुसी फाइल लगांदे हो तो तुसी फ्री दे विच कोचिंग भी IELTS दी ले सकदे हो, इंटरव्यू की तैयारी फ्री दे विच कर सकदे हो। सो जरूर जल्दी तो जल्दी विजिट कर सकदे हो नैविगेटर्स ओवरसीज दे ऑफिस, ताकि इन सारी फ्री दी सर्विसिज दा भी तुसी टाइमली फायदा जरूर ले सको। और बाकी नंबर जो है लगातार डिस्प्ले है, इस उपर कॉल करके भी पूरी इन्फॉर्मेशन लो, टाइमली सही डिसीजन दे नाल अगे वधो। बहुत बहुत थैंक्स मैम, पूरी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स दे नाल सांझी करन दे लई। अगो भी असीं स्टूडेंट्स दे लई इसे तरह नाल होर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लैके आंदे रहांगे। फिलहाल लई जी इजाजत, थैंक यू सो मच। थैंक यू।